अंतनी एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो टिंडे की सब्जी उगाया करती थी। सुबह से शाम तक वो अपने खेत में खूब मेहनत करती थी। कुछ समय बाद उसके खेत में टिंडों की फसल तैयार हुई तो वो देखती है कि उसके खेत में छोटे बड़े हर तरह के टिंडे लगे हुए हैं। उसी जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर रहता था। वो टुनटुनी के खेत में खड़ी फसल देखकर काफी जलन महसूस करता था। अरे वाह टुनटुनी, इस बार तेरे खेतों में तो टिंडे की भरमार है। अब तो तू खूब कमाई करेगी। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुरा देती है, लेकिन वही खड़ा बंटी कबूतर मन ही मन सोच रहा था, वैसे मेरे पास भी इस टुनटुनी जितना ही खेत है, लेकिन फिर भी इसकी फसल ना जाने कैसे इतनी अच्छी हो जाती है। तभी बंटी कबूतर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मंडी में काम करने वाले अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वाह क्या दिमाग लाया है रे, हैं? अब तू बस उसे कल सुबह सुबह मेरी दुकान पर भेज दे, फिर देख मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी के पति कालू कोई के पास जाता है और उससे कहता है, अरे यार एक दुकानदार टिंडे ही खरीदता है तो उसे अपने टिंडे की सब्जी क्यों नहीं बेच देता। वैसे भी टुनटुनी भाभी ने कितने अच्छे टिंडे उगाए हैं, अब तुझे उन टिंडों के अच्छे दाम मिलेंगे। क्या सच में? मैं कल ही मंडी जाकर अपने टिंडे उस चील को बेच कर आता हूँ, तू मुझे उसका पता दे देना। अगले दिन कालू कौआ वो सब टिंडे लेकर मंडी पहुंचता है और उस चील को बड़ी सी टिंडों की टोकरी दे देता है जिसे चील अंदर रख देता है। इसके बाद काफी देर तक कालू उसकी दुकान के सामने खड़ा रहता है, लेकिन चील उसे कोई पैसे नहीं देता। थक हार कर कालू कौआ उससे कहता है, और कितना टाइम लगेगा? क्या और कितनी देर लगेगी? अरे अभी अभी तो आपने मेरे सारे टिंडे तोल कर रखे हैं, मुझे तो काफी देर हो गई। कौन से टिंडे हैं? यहाँ तो तुम कब से खड़े हो, और मैं तो खुद तुमसे कहने वाला था कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। भाई तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तूने मुझे झूठा क्यों कहा? देखते ही देखते वहाँ पर पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। कालू कोई की बात सुनने के बाद सभी दुकान वाले चील से कहते हैं, अरे देखो भाई अगर ये सच कह रहा है तो जरूर टिंडे तुम्हारी दुकान के अंदर ही होंगे, हमें तलाशी लेने दो, सब सच सामने आ जाएगा। वो अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर दुकान खाली पड़ी थी, क्योंकि चील ने तो पहले ही बंटी के साथ मिलकर टिंडे पीछे के रास्ते से गायब करवा दिए थे। सब पक्षी कालू को झूठा बोलने लगे। कुछ देर बाद उदास होकर कालू को वो घर आया और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताई। लेकिन आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली? अंदर टिंडे नहीं थे, बाजार में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने सोचा था इस बार अपनी बच्ची के लिए जूते लाऊंगा, लेकिन सारे अरमान अधूरे ही रह गए। कोई बात नहीं पापा, अभी मेरे ये वाले जूते 2 साल और चलेंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर कालू के आंसू निकल गए, लेकिन उस दिन के बाद तो मानो कालू को सदमा लग गया और उसने खेतों में जाना छोड़ दिया। देखो जी ऐसे तो बीमार हो जाओगे, चलो ना हम फिर से टिंडे की खेती करेंगे और इस बार उसे दूसरी मंडी में बेच कर आएंगे। लेकिन कालू कौआ तो जैसे टूट ही चुका था। फिर टुनटुनी सुनहरी चिड़िया खेतों में जाती है तो दोनों वहाँ रखे सारे सूखे पौधों को हटा देती है और फावड़ा लेकर खुदाई करने लगती है। इधर सुनहरी भी खेतों में काम कर रही होती है, तभी सुनहरी को एक टिंडा जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। माँ ये देखो ये टिंडा तो जादुई लग रहा है। हाँ बेटा हम इसे यही बो देते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने उस टिंडे को वही खेत में बो दिया, फिर उसमें पानी डालकर दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। अगले दिन हिम्मत करके कालू कौआ अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेतों में आता है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। उनके खेत में ढेर सारे टिंडे लगे हुए थे। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया, एक रात में इतने सारे टिंडे। अरे इसका मतलब वो जरूर कोई जादुई टिंडा था जो कल सुनहरी को जमीन के अंदर से मिला था। बाबा आप जल्दी से इन्हें बाजार में बेच कर आओ। हाँ मेरी बच्ची मैं अभी इन्हें बेच कर आता हूँ।
कालू फिर से मंडी में टिंडे बेचने जाता है, जहाँ चील उसे देखकर हैरान रह जाता है। कालू कौवा दूसरे दुकानदार पक्षियों को टिंडे बेच आता है और खूब मुनाफा कमाता है। उधर जैसे ये बात बंटी को पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है और वो शाम को कालू कौवे के खेतों में जाकर देखता है तो वहाँ ढेर सारे टिंडे थे। अब मैं इसके खेतों में आग लगा दूंगा, फिर तो इसका खेत ही नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वो टिंडे के खेत में पैर रखने की सोचता है तो उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी एक टिंडे से आवाज आती है, खबरदार, जो आज के बाद हमें नष्ट करने की सोची भी, अब चले जाओ यहाँ से। बंटी कबूतर यहाँ वहाँ देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के मारे वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवा घर आकर 5,000 रुपए टुनटुनी चिड़िया को देता है, साथ ही सुनहरी चिड़िया के लिए बहुत ही सुंदर जूते लेकर आता है। फिर सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। टुनटुनी एक गरीब मेहनती चिड़िया थी। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने जमींदार के खेतों में करेले की फसल उगा रखी थी। टुनटुनी, करेले की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? इस बार करेला बढ़िया उग जाए तो शहर के जंगल में अच्छे दामों में बेचकर कमाई अच्छी हो जाएगी। मालिक, बस अगले 2 महीने तक फसल पककर तैयार हो जाएगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 21/9 कितने होते हैं। ठीक है ठीक है, पूरी मेहनत से फसल होगा तभी महीने की पगार मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया दिन रात खेत पर मेहनत करके करेले की फसल उगाती है और 2 महीने बाद करेले की फसल पककर तैयार हो जाती है। सेठ जी जब ये फसल देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बस 1-2 दिन में सेठ जी को बुलाकर फसल दिखा दूंगी। टुनटुनी खुशी खुशी घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी सुनहरी को सारी बात बताती है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है माँ, तुमने करेले की फसल उगाने में बहुत मेहनत की है। सुनहरी, कल मुझे सुबह खेत पर जल्दी पहुँचना है, इसलिए मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जब खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके खेत के सारे करेले गायब थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई। हे भगवान, सारी फसल कहाँ गई? एक भी करेला नहीं बचा, करेले कौन चुरा कर ले गया? टुनटुनी रोती जमींदार सेठ के पास जाती है। सेठ जी, खेत में से करेले चोरी हो गए, पता नहीं कौन फसल तोड़ कर ले गया। क्या कह रही हो, कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही? कहीं तेरी नियत में फर्क तो नहीं आ गया? अच्छे से बात सुन ले मेरी, पूरी फसल के पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दे, वरना मैं तुझे इस गांव में नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुझे 1 दिन का समय देता हूँ। पर मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे खुद नहीं पता कि खेत में से करेले कहाँ गायब हो गए। ए नौकर, इसे उठाकर हवेली से बाहर फेंक दो। अब तू कल सुबह तक मेरे पैसे देकर जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे कारण सुनहरी भी परेशान हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया खेत पर वापस पहुंचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, करेले कौन चुरा कर ले गया? मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मैं कल सुबह तक जमींदार को पैसे नहीं दे पाई तो वो मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी गांव से बाहर फेंक देगा। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया भी रो रही थी कि तभी वहाँ 2 परियां आती है और वो आपस में बातें करने लगती है। पीली परी, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी की तबीयत के लिए हमने धरती पर जो करेले इस खेत से तोड़े थे, उसके कारण इस गरीब चिड़िया को कितनी परेशानी हो रही है। हाँ लाल परी, हमसे गलती हो गई। चलो हम इससे माफ़ी मांगते हैं और जो भी करेले हमने लिए हैं उसके बदले से धन दे देते हैं। दोनों परियां टुनटुनी चिड़िया के पास जाती हैं। टुनटुनी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है।
टुनटुनी, तुम्हारे खेत से करेले हमने ही लिए थे। हमारे पिताजी को परीलोक के वेद जी ने करेले का जूस पीने की सलाह दी थी, और करेला सिर्फ धरती पर ही उगता है, परीलोक में नहीं। इसलिए हमने तुम्हारे खेत से सारे करेले तोड़ लिए। हम तो फिर से करेले लेने आए थे। हमें नहीं पता था कि इस फसल को धरती पर उगने में समय लगता है। टुनटुनी, ये लो, ये धन से भरा हुआ कलश, ये उन करेलों की कीमत है जो हमने तुम्हारे खेत से तोड़ लिए थे। टुनटुनी चिड़िया सोने के सिक्कों से भरा कलश देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुनटुनी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? बताइए पीली परी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे टुनटुनी, अब तो तुम्हारे खेत में करेले भी नहीं बचे हैं, और हमारे परीलोक में करेले की फसल नहीं उगती है। अगर तुम बादलों पे खेती कर सको तो हमें परीलोक में बहुत आराम हो जाएगा। इसके बदले हम तुम्हें उचित धन राशि भी दिया करेंगे। फिर तुम्हें जमींदार के खेतों पर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बादलों पर ही खेती किया करना। किया? बादलों पर खेती? पर वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सब समझा देंगे। अभी तुम जमींदार के रुपए लौटा दो, उसके बाद हम तुम्हें बादलों में परीलोक ले जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया जमींदार की फसल की सारी कीमत चुका देती है, और उसके बाद परियों उसे बादलों में ले जाती है। टुनटुनी, तुम करेलों के साथ साथ और भी सब्जी की खेती कर सकती हो। जी परी, मैं कल सुबह से ही खेती के काम में लग जाऊंगी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बादलों पर मुझे खेती करने की अनुमति दे दी। टुनटुनी चिड़िया बादलों पर बने खेतों में करेले की खेती के साथ साथ और सब्जी की भी खेती करना शुरू कर देती है, और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।